हेलो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पे वर्ड पे कुछ बेसिक सी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक से एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। जैसा आप जो जितने भी लोगों ने कंप्यूटर पे वर्क करा है वो सभी जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि वर्ड्स, एक्सेल शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। गाइस, ये जो पेज आप अभी सामने देख रहे होंगे, ये इस पेज हम कहते हैं इसे वर्कशीट। ये जो वाइट सी शीट दिख रही है हमें, इसे हम कहते हैं वर्कशीट। ये ऐसा शीट, इसी शीट पे हम जो भी चीज़ टाइप करना चाहें वो हम इसी में काम करते हैं। चाहे हमें इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना हो, चाहे फॉन्ट बदलना हो, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, इटैलिक बोल्ड वगैरह, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियोस में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज होम टूल से। कर्सर देख रहे होंगे, कर्सर है हमारा होम टूल्स के पास। होम टूल्स में गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, पीडीएफ, ये जो है ये हमारा रिबन है। इसे हम रिबन कहते हैं। ये होता है उसके नीचे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नई डायलॉग बॉक्स हर एक के पास से खुलेगी, तो इसको हम कहते हैं टूल बार। टूल बार तो आज हम सिर्फ देखेंगे होम पेज के, होम स्पेस पे जो भी हमारे टूल्स पास होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बेसिक सा काम होता है कि हम फॉन्ट किस तरह से उससे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक काम होता है इस पे टाइप करना। गाइस, जैसे हम टाइप करते हैं कुछ भी, तो हमारा बेसिक काम होता है कि हाँ, हम इस पे कुछ भी चीज़ें टाइप करें। सपोज कि क्वेश्चंस बना रहे हैं, हम मेल्स टाइप कर सकते हैं, मेल्स किसी को सेंड करना हो, या एप्लीकेशन हो, लेटर हो, हम काफ़ी चीज़ें वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट का जो हमारा टूल बार है, हम इस पर आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है। गाइस, जैसे ही आप एमएस ऑफिस वर्ड खोलते हो, ये 2007 है, 2007 में जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, ये आपका इनबिल्ट रहता है कि कैलिब्री बॉडी पे ये फॉन्ट आपका सेट रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने कंट्रोल पैनल पर जाकर कौन कौन से फॉन्ट इसमें सेव करे हैं। जो भी फॉन्ट आपने यहाँ सेव करे होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे, जैसे इंग्लिश में ये सारे हैं। फिर आप हिंदी पे भी अगर आना चाहो, कृति देव, मंगल एटसेट्रा, काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश के तो सारे फॉन्ट्स आपके पास रहेंगे, बट हिंदी के वही फॉन्ट्स आएंगे जो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करा होगा कंट्रोल पैनल पे जाकर। फॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 11 लिखा हुआ। ये जो है ये हमारा फॉन्ट का साइज डिपेंड करता है, इससे इस नंबर से हम फॉन्ट्स के साइज को डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी एक टाइप करता हूँ मैं, रेस IAS Academy, रेस IAS Academy, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफी छोटा है, हम इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कर्सर से इसको सारे पूरे राइट की को क्लिक करके आपको इसको पूरा एक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना आपको कैलिब्री, यहाँ फॉन्ट चेंजिंग कर सकते हैं आप। फॉन्ट कैसे चेंज करो, आप किस किस पे जाकर किसी भी फॉन्ट पे, जिस पे भी आप करना चाहो। सपोज मैं स्टेंसिल यूज करता हूँ, तो स्टेंसिल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारी जो फॉन्ट थी वो कैलिब्री से अब स्टेंसिल पे बदल चुकी है। अब हमें इसके साइजेस भी बड़े करने हैं, तो हम यहाँ से आकर इसके साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज हम छोटा करना चाहें तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहें तो बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम इसके नीचे, तो हमें दिखता है यहाँ पे BIU, ठीक है, बोल्ड
बोल्ड इज बी इज स्टैंड फॉर बोल्ड, बी यहाँ पर जो है ये सिग्निफाई करता है बोल्ड को। सपोज के हमने कैलिब्री पे कोई भी चीजें टाइप करी हो, जैसे मैंने अभी टाइप करा रेस आईएएस, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड करना, ये थोड़ा मोटा दिखे, फॉन्ट यही रहे बट ये थोड़ा मोटा दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बी वाले बटन पे कर्सर को ले जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, अब ये कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बी था वो है हमारे बोल्ड के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम इसके जस्ट राइट हैंड साइड में, ये आई, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। इटैलिक जैसे ही आप करते हो इटैलिक को चूज करने के बाद हमारा फॉन्ट जो है वो हल्का सा राइट की ओर ऊपर से और लेफ्ट की ओर नीचे से टेंट कर जाएगा, ये होता है इटैलिक। नेक्स्ट इसके बगल में आता है यू, दैट इज फॉर अंडरलाइन। हम इसे चूज करके हम अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को भी इन अभी तक पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जाकर क्वेश्चंस टाइप करें, हमें भेजें। नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ एबीसी, आप देख रहे होंगे स्ट्राइक थ्रू। एबीसी आपको स्मॉल में दिखेगा जो बीच से कटा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। अभी जो हमने अंडरलाइन का कर्सर यूज करा था, अंडरलाइन पे चूज करने से क्या हुआ कि हमारे जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट आप देख रहे हो, जो भी टेक्स्ट है हमारा रेस आईएएस, इसके नीचे एक अंडरलाइन आया था। बट सपोज कि अपन चाह रहे हैं कि इस रेस आईएएस जो लिखा हुआ है इसके बीच में एक लाइन आए, तो वो उसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जैसे ही यूज करोगे आप देख सकते हो हमारे रेस आईएएस के बीच में एक अंडरलाइन, एक लाइन ड्रॉ हो जाता है जिसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, सपोज कि केमिस्ट्री का फार्मूलाज हम देखते हैं या मैथ्स का फार्मूला, जैसे सपोज केमिस्ट्री का फार्मूला एक लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला जो होता है वो होता है ओ टू, ओ टू फॉर ऑक्सीजन, ओके। तो जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं बट फार्मूला तो ऐसे नहीं लिखाता है, फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं हम कैपिटल ओ एंड उसके बगल में एक छोटा सा टू, ये हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग वे है, ये हमारा राइट वे होता है किसी भी फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो CO2, ठीक है। तो ये करने के लिए अभी जैसे यहाँ हमने टू लिखा था तो ये हमारे राइट साइड राइट हैंड साइड में आया, बट साइज एक था, इक्वल साइज की थी। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि टू हमारा हल्का सा डिनोमिनेटर में जाकर छोटा हो जा रहा है। इसके लिए हमने क्या चूज करा था, यहाँ पे एक्स के पास जाकर, यहाँ सेकंड आप देख सकते हो, यहाँ पर जाकर हमने चूज कर लिया बार सबस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। सबस्क्रिप्ट पे जाने के बाद हमारा ये टू छोटा हो जाता है। सिंपली हम मैथ्स पे आते हैं, सपोज हमने लिखा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर अब हम कैसे लिखें, यहाँ पर हमने देखा कि एक्स के पार नीचे जा रहा है तो ये सबस्क्रिप्ट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट और आता है जो पावर पे जाता है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 55 to the power 2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 55 का स्क्वायर, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं, एक आता है ये सेंटेंस गैस, ठीक है। एक कैपिटल एक, एक स्मॉल एक के लिखा हुआ एक आइकन आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस केस। इससे क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने लिखा रेस आईएएस, मैंने लिखा रेस आईएएस, अगर सपोज हमने क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि रेस आईएएस जो है वो सारा का सारा कैप्स लॉक पे हो, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हम इसे पूरा मिटाएं, पूरा बैकस्पेस प्रेस करके फिर कैप्स लॉक ऑन करेंगे फिर रेस आईएएस लिखेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, सपोज कि मैंने लिख लिया यहाँ पर रेस आईएएस, अब क्या करना है, जिन लेटर्स को, जिन अल्फाबेट्स को हमें कैप्स लॉक पे करना है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटेंस केस पे जाएंगे जहाँ पर हमारा केस चेंज होगा।
यहाँ आप देख सकते हो लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आते हैं। हम अगर यहाँ अपर केस यूज़ करते हैं तो चूज़ करते ही एक सिंगल हिट पे हमारा ये जो स्मॉल में लिखा हुआ था लेटर्स, वो किस में हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा अपर केस में, जो हम लोग कैप्स लॉक के थ्रू सिंपली करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ए, जहाँ आपने देखा था ना, मैंने बताया था फॉन्ट साइज जो हम चेंज करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो एक कैपिटल ए बड़े में और उसी के जस्ट बगल में एक स्मॉल ए लिखा होता है। गाइस ये होता है हमारे टेक्स्ट के साइज को डिपेंड करने के लिए। सपोज कि अगर मैं यहाँ सिंगल हिट करता हूँ कैपिटल ए पे, तो ये हमारा साइज देख रहे होगे आप स्क्रीन के ऊपर कि रेस आईएस जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है। अगर सिंपली मैं आ जाऊँ कैपिटल ए जो छोटा लिखा हुआ है, इसको अगर सिंगल हिट करते हो तो इसके साइजेस जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट हमारा जो बुलेटिन है वो है हाइलाइट्स। कभी कभी हमारा होता है कि सपोज कोई हमने नोट्स लिखा हुआ है, उस नोट्स को हम अगर हाईलाइट करना चाहें, सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये रेस आई एस जो है ये हमारा हाईलाइट हो जाए, तो हम यहाँ हाईलाइट बटन पे आते हैं, जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहो उस कलर से ये हाईलाइट हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज कि मैंने ब्लू, स्काई ब्लू यूज़ करा है, तो स्काई ब्लू से ये हमारा जो आप देख रहे होगे ये हाईलाइटेड है। उसके जस्ट बगल में होता है हमारा कलर, जो डिपेंड करता है हमारे फॉन्ट के कलर को। तो कलर कैसे चेंज होगा, सबसे पहले आपको हमारे पूरे टेक्स्ट को जितने को आपको कलर करना है, सपोज मेरे को सिर्फ रेस को करना है, आईएस को नहीं करना कलर चेंज, तो रेस का मैंने चूज कर लिया। चूज करने के लिए मैंने बताया आपको सेलेक्ट करने के लिए कैसे करना है, आपको सिंपली कर्सर एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लेनी है जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट माउस क्लिक किए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जिस साइड भी आपको सेलेक्ट करना है उस साइड आप ड्रैग करेंगे। जब एरिया सेलेक्ट हो जाएगी तो आप अपने माउस से बटन को छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कलर्स के काफ़ी इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप मोव कलर पे जाते हो तो हमें एक कलर मिक्सचर का डायलॉग बॉक्स दिखता है, जहाँ से आप अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हो या चूज़ कर सकते हो, जैसा आप कलर चूज़ करें। सपोज कि मैंने रेड चूज़ करा, आपको यहाँ पे फिर ओके हिट कर देना है। जैसे ही आप कहीं बाहर क्लिक करते हो आप देखोगे कि हमारे फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ठीक है गाइस, यहाँ तक सभी को मैं भी समझ में आ गया होगा। हमारे आज के वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट फॉन्ट का जो आता है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। सपोज आपने ये सारा मैंने अभी फॉर्मेट करा था कि मैंने साइज इंक्रीज करा, फॉन्ट चेंज करा, हाईलाइट करा, साइजेस चेंज हैं हमारे, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, छोड़ो सारी चीज़ों को, पहले जैसे था वैसे ही रहने दो, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप बार बार अंडो प्रेस करो, अंडो इन मीन्स कंट्रोल प्लस जेड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ शॉर्ट कीज जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा एमएस वर्ड पे काम करना काफ़ी 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 ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो एमएस वर्ड्स के सारे शॉर्ट कीज हैं। अभी क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कि हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है हमारा कीबोर्ड वर्क नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे उस जगह पर कि हम माउस से सारे कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखोगे इस जगह पर हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का एक आइकन देता है, आप इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो आपका यहाँ पर दिखेगा भी क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप इस पर जैसे ही सिंपली एक हिट करते हो, हमारा जो बेसिक रहता है वर्ड का, जो भी फॉन्ट वगैरह साइज वगैरह सेट रहता है, हम उस पर आ जाते हैं। हमारा कुछ भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो हमने करा था इससे पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, बट जैसे ही आप इसमें से हटा देते हो सारी फॉर्मेटिंग को इस पे क्लिक करने के बाद, तो हमारा जो बेसिक वर्ड हमें जो देता है कैलिब्री 11 फॉन्ट विदाउट बोल्ड विदाउट इटैलिक विदाउट अंडरलाइन, वो हमारा पेज ओपन हो जाता है। ये ओपन होने के, तो ये चीज़ें थी हमारे पास आज, मैंने हमने सीखी कि वर्ड में जो हमारा टूल बार है, तो उस टूल बार में हम फॉन्ट वाले टूल बार को कैसे
यूज कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। जिनको भी किसी भी चीज़ों में डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चंस भेजें। क्वेश्चंस हम देखने के बाद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे ही आप लोगों को उसके सॉल्यूशंस मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पैराग्राफ, टूल बार एंड स्टाइल, इन दोनों को हम एक दिन में सिखाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड वीडियो ऑफ कोर्स वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड यस सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।